दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मजे में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। बने रही वीडियो के साथ तो देता रहता हूँ आपको न्यू न्यू अपडेट। वैसे ही दोस्तों जो आज का अपडेट है वो थोड़ा दोस्तों लोगों को जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा लगेगा तो गलत, लेकिन भाई साहब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत प्रॉपर तरीके से वो जो भी बात है वो रियली कहूँगा मैं दोस्तों आपसे। थोड़ा सा कड़क है लेकिन दोस्तों बात सच्ची है। तो दोस्तों वीडियो के अंदर देखें ताकि आपको पूरी पूरी अच्छे से जानकारी मिल सके। और दोस्तों अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी है नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। दोस्तों वही सब चीज़ है दोस्तों, आज की जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे ऊबर। आजकल एयरपोर्ट पर मैंने भी देखा और कई लोगों की गाड़ियों में भी मैंने देखा और आप लोगों को भी मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग ये सब चीज़ देख रहे होंगे कि ऊबर एडवर्टाइज किस तरीके से कर रहा है। आजकल गाड़ियों पर स्टीकर वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लगा रहा है, कई गाड़ियों में मैंने ये ज़्यादातर देखा। तो दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ही ले लो, आपने ये 10 लाख की गाड़ी जो ली है ना, क्या इसीलिए ली है? आप ही बताइए मुझे, 10 लाख की गाड़ी आपने ली है 500 रुपये के लालच में, उसमें क्या है सिस्टम? कि वो अभी फ़िलहाल में मैंने एक भाई से पूछा भी था कि 500 रुपये अभी दे रहे हैं और आपका क्या है कि 1500 रुपये एक महीने स्टिकर लगा रहेगा तो आपको 1500 रुपये मिलेंगे, ऐसे करके कुछ सिस्टम है। बाकी मुझे आइडिया नहीं, पता नहीं। बाकी जो भी है मैंने उनसे पूछा और बाकी मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो सब चीज़ रियली मैं आपको बता रहा हूँ। 500 रुपये तुरंत दे रहा है अभी ऊबर वाले जो भी भाई लोग हैं वो लगा रहे हैं स्टिकर गाड़ियों पर। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही पूछना चाहूँगा कि 10 लाख की आपने गाड़ी ली है तो क्या स्टिकर लगाने के लिए 500 रुपये के लालच में? तो मैं पूरा आपको बताऊंगा, वीडियो घंटा देखें इस चीज से कितने नुकसान हो सकते हैं दोस्तों, कितने नुकसान होंगे इस चीज से मैं पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों, वीडियो घंटा देखें दोस्तों। पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, नॉर्मली सा सिंपल सा, आप ये सब स्टिकर लगवा करके बाहर रोड पर नहीं चल सकते। बाहर रोड पर आप नहीं चल सकते हैं क्योंकि आपको ट्रैफिक पुलिस वाले परेशान करेंगे ही करेंगे। इस पर 200-300 का लमसम में मेरे आइडिया से चालान है, कम चालान है इसका लेकिन कम से कम है। लेकिन इसका चालान ऐसा है कि आप जितनी भी जगह पर रोके जाओगे उतनी ही जगह पर काटा जाएगा, जितनी बार रोकेगी पुलिस वाले रोकेंगे आपको उतनी बार आपका चालान काटेंगे। और दूसरी चीज दोस्तों, चालान तो कटना ही कटना है ये पक्का है आपका। दूसरी चीज, अब मान लो 200 रुपये का आपका चालान कट गया, 200 रुपये का चालान कट गया, कंपनी ने स्टिकर लगाया आपकी गाड़ी पर तो आपको ये बोल रहा होगा शायद कि अगर चालान कटेगा तो कंपनी झेलेगी, क्योंकि ये मैंने सुना था ऊबर वाले कह रहे थे जिसने जो भी लगा रहे हैं वो, तो कंपनी झेलेगी। तो दोस्तों 200 रुपये का आपका चालान कटा है। तीसरा पॉइंट, 200 रुपये का चालान कटा है तो क्या आप कंपनी के पास या कोर्ट में या वो पेपर जो भी है वो लेकर के चालान का आप जाओगे? 200 रुपये का चालान कटा, आप 200 रुपये की CNG फूक करके कंपनी में चालान भर पे करने के लिए आप ये सब रिक्वेस्ट करने जाओगे? आप लोगों से ही पूछता हूँ दोस्तों। तो मेरे भाई 500 रुपये के लालच में, मेरा कहने का मतलब यही है, क्यों चक्करों में पड़ रहे हैं अपन लोग? और 10 लाख रुपये की गाड़ी को भाई क्यों जोकर बना रहे हो? अरे भाई 5-10 लाख रुपए की गाड़ी और 500 रुपए के चक्कर में ये सब ये स्टिकर विस्टिकर, इससे क्या है ना गाड़ी बदसूरत लगने लगती है। मेरा भाई जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा जिसने भी लगवाया होगा उसको शायद बुरा लग सकता है दोस्तों, प्लीज वो चीजें अलग है। लेकिन जो मेरे मन की बात है, जो मेरे मन में थी, जो मैंने देखा और तो मेरे को थोड़ा सा गलत लगा। और दोस्तों इसमें एक चीज और होती है, विदाउट परमिशन ये स्टिकर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर पुलिस वाले ने पकड़ लिया और आपको ऐसा होता है तो कंपनी जो है कि परमिशन लेती है नगर निगम से। तो दोस्तों परमिशन जैसे ले ली, अब परमिशन क्या हजारों गाड़ियों की दी जाएगी? आप बताओ, एडवर्टाइज के लिए ऊबर ने अगर परमिशन ली भी है तो क्या लाखों गाड़ियों के लिए ली है, हजारों गाड़ियों के लिए ली है? नहीं, 1000 गाड़ियों के लिए ली है तो 1 लाख गाड़ियों पर लगा रहा है। तो सब लोगों
भाई मेरे तो इतना मतलब परमिशन भी नहीं मिलती है, तो वही सब चीजें। तो दोस्तों ऐसा ना करें, अपनी लग्जरी गाड़ियों को बदसूरत ना बनाए, जोकर ना बनाए। ये सब स्टिकर विस्टिकर लगवाने से क्या है, अच्छा नहीं लगता है मेरे भाई। और दूसरी चीज, अब आप स्टिकर लगवा लिया आपने, फिर आप उसको कुछ दिन बाद छुड़ाओगे भी, अगर नहीं छुड़ाओगे तो धूप पड़ेगी। धूप में क्या है कि किसी ने ब्लट मार दिया या कुछ भी, मतलब खरोंच दिया एक तरीके से, अगर वो खरोंच दिया तो बीच में वो वाइट सा निकल आएगा अंदर से, जो गाड़ी का पेंट है, तो वो ब्लैक और वो वाइट फिर कैसी लगने लगेगी, आप ही बताओ। तो ये सब चीजें छोटी छोटी दोस्तों, मैं आप लोगों को, आपका छोटा भाई, ये नई नई जानकारी आपको देता रहता हूँ भाई। तो ये सब चीजें ना करवाए मेरे भाई, क्योंकि उनका तो वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपकी गाड़ी प्रचार के लिए नहीं है मेरे भाई। आपकी गाड़ी प्रचार के लिए नहीं है, आपने 10 लाख रुपए डाले हैं ना, वो काम करने के लिए डाले हैं, अपने काम के लिए डाले हैं, अपने पर्सनली काम के लिए डाले हैं, अपने पैसा कमाने के लिए। दोस्तों 500 रुपये का जो लालच दे रहे हैं ना ये लोग, 500 रुपये मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा एक राइड के पैसे हैं, ज्यादा से ज्यादा एक राइड के पैसे हैं दोस्तों। आप एक राइड में कमा सकते हो, एक घंटे में, इससे ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों 500 रुपये के लालच में ये सब चीज ना करवाएं मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर देना, और भाइयों आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, वो आप प्लीज करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।